वजह से दुनिया के अंदर इंसान एक हकीर इंसान, जिस तरह से हम हकीर हैं, हमारा कोई दर्जा नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे हमें बुला ले, उसी तरह से एक हकीर इंसान ने खुदाई का दावा किया था एक बढ़ोतरी की वजह से। आपको मालूम नहीं होगा, फिरौन सूद एक ऐसी चीज है। अच्छा, आपको मालूम ही होगा कि सूद कहते किसे हैं। रकम लिया, अपनी पूंजी कहीं पर जमा कराई और बिना मेहनत के उस बंदे से ज्यादा पैसा वसूल करना, यही है सूद। और ये सूदखोर, इस सूदखोर पर हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर देने गए थे, उन्होंने लाम आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक सूद के बारे में जितना ही बयान किया जाए उतना ही कम। यह सूद ही है जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। यह सूद ही है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर आज बेरोजगारी बढ़ रही है। यह सूद ही है ऐसी चीज, मैं इस चीज को आपके सामने साबित करूंगा, यह सूद ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, रोजगारी बढ़ रही है, इंसान फांसी के फंदे पर लटक रहा है, खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को हिला कर रहा है। यह सूद ऐसी चीज है, एक सूद एक ऐसी चीज है कि अपने औलाद को इंसान क्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है। गरीब तबके के लोग मारे जा रहे हैं, भीख मांग मांग कर दिखा रहे हैं, ये सूद की वजह से। पाकिस्तान आपके सामने मिसाल है, इनका निशान आपके सामने देख रहे हैं आप, पाकिस्तान की महिषा सूद ही है। इस सूद की मैंने आपके सामने बयान की कि सूद की वजह से पलाई का दावा किसने किया, वो कौन था? फिरौन। आपको मालूम होगा कि फिरौनों का सिलसिला कहां से शुरू होता है, मिस्र के अंदर की नींव से। ये एक शख्स है किंग नींव। आपको मालूम होगा कि मिस्र के दरमियान से दरियाए नील किंग नींव ने दरिया का बहुत बेहतरीन फायदा उठाया और बेहतरीन फायदा उठाने के साथ साथ बहुत बुरा भी फायदा उठाया। उसने उस दरियाए नील को, खुसूसन अफ्रीका और